ठंड से बचने के लिए लोगों का सहारा बन रहा है नगर परिषद के द्वारा संचालित शहर का रैन बसेरा। हम आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर में रात को बाहर से आने वाले लोगों का छत की तलाश रहती है। वैसे में हिलसा नगर परिषद के द्वारा हिलसा शहर में संचालित रैन बसेरा लोग के लिए राहत बन रहा है। बता दें कि हिलसा शहर के खाकी बाबा चौक के पास स्थित रैन बसेरा है, जहां जिसका घर नहीं होता है या रात्रि में आते हैं तो वैसे में ठहरने के लिए रैन बसेरा का सहारा ले रहे हैं। रैन बसेरा के केयर टेकर आलोक कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात्रि में दर्जनों लोग शहर के रैन बसेरा में ठहरने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बताया कि यह रैन बसेरा हिलसा नगर परिषद के द्वारा संचालित होता और बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर ठहरने वाले लोगों के लिए चारपाई, रजाई एवं कई चीज दिया जाता है। हिलसा नगर परिषद के द्वारा यह संचालित होता है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। हिलसा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि कड़ाके की ठंड में जिन लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वैसे में रैन बसेरा में आकर रहे, यह बिल्कुल निःशुल्क है। उन्होंने आम लोगों से अपील भी किया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर में शाम के समय उन्हें मिलता है तो उसे रात में रुकने के लिए रैन बसेरा में जरूर भेज दें। हिलसा नगर परिषद के द्वारा रैन बसेरा संचालित हो रहा है। अब बढ़ते ठंड को लेकर यहाँ लोग ठहरे, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार, केयर टेकर यहाँ के टेकर के रूप में हूँ और एक समाज सेवी के रूप में भी कार्य करता हूँ। और यहाँ ठंड के बढ़ते हुए ठंड के देखते हुए यहाँ सारी सुविधा प्रदान किया गया है। यहाँ लोगों को बेड चादर, कंबल, गद्दा, चौकी और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, जो कि उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। कितना पैसा लगता है? यहाँ निःशुल्क है, यानी कि जितने निसहाय निरावास लोग हैं वो सब आकर यहाँ रह सकते हैं। यहाँ निःशुल्क रूप में कार्य किया जाता है। दिन में रह सकते हैं? दिन और रात दोनों, 24 आवर 7 डेज खुला रहता है। यहाँ महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग कक्ष बनाया गया है और एक सुरक्षित रूप में यहाँ एक नाइट गार्ड के लिए भी व्यवस्था किया गया है। और यहाँ सभी तरह के सर सफाई से लेकर सभी कर्मी यहाँ कार्य करते हैं। प्रतिदिन साफ सफाई होती है? प्रतिदिन सर सफाई होती है। शौचालय? शौचालय से लेकर के यहाँ बेड बिछावन भी सर सफाई की है। और ये कैमरा सीसीटीवी कैमरे की नजर में ये रहते हैं। नगर पार्षद के कार्यपालक पदाधिकारी देखते रहते हैं? हाँ, ये है जो कि ये लिंक ये जुड़ा हुआ रहता है नगर बड़े वाला ऑफिस में,